मैं जिस वक़्त जेल में था मेरी असीरी के दौरान कराची में एक रैली के अंदर जो अहिलसन्नत व जमात की तारीख़ी रैली थी लाखों लोग उसमें मौजूद थे सियासत मुआविया रदी अल्लाह तन हो ज़िंदाबाद का नारा लगाया गया कि कुछ लोग माजल्ला हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तन हो पान कर रहे थे गाली गलोच कर रहे थे बिलखसूस कराची के अंदर तो उसके रद्द अमल में हज़रत अमीर माविया रदी अल्लाह साथ इजहार यकजहती इजहार मोहब्बत के लिए ये नारा लगाया गया अभी छः मार्च को इस्लामाबाद के अंदर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ सुन्नी कॉन्फ्रेंस उस कॉन्फ्रेंस के अंदर इस नारे से माजल्ला बरात का एलान किया गया और बरात का भी बड़ा अजीब तरीके से किया गया वो मुल्क कि जिसके अंदर रोज़ाना सियासत भुट्टो ज़िंदाबाद सियासत नवाज़ शरीफ़ ज़िंदाबाद और सियासत इमरान ख़ान ज़िंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं और अपने अपने ग्रुपों में उलामा मशेख वहाँ बैठे होते हैं और किसी ने कभी उससे बरात का एलान नहीं किया लेकिन जब एक अजीम से हाबी रसूल सल्हु वसम के लिहाज से लगे हुए नारे से बरात का ऐलान किया गया मेरे सीने पर एक तीर की तरह लगा कि आज पंद्रवीं सदी में मुस्तरक और यहूदो नसारा क्या कहेंगे कि जिस शख़्स ने उनकी कमर तोड़ी थी और दूर दूर तक यहूदो नसारा को शिकस्त देकर इस्लाम का परचम बुलंद किया था आज उसके तर्ज हुक्मरानी और उसकी सियासत से बारात का ऐलान किया जा रहा है ये बाहत ही शर्मिंदगी की बात थी ये भी कहा गया कि जिस बंदे ने यह नारा लगाया था वो कहता है मुझे ख्याल नहीं रहा कि मैं क्या कह रहा हूँ यानी जैसे उसने बड़ी ही गलत बात की हो लेकिन हमने उससे ऐलान बारात किया और आज के अजतमा में उनसे खुल कर बारात का ऐलान करते हैं और फिर कहा कि ये जो हमने बारात का ऐलान किया है ये हमने हक़ को कबूल किया है यानी वो नारा ना हक था और अब जो बारात का हम ऐलान कर रहे हैं कहा गया हमारा उसूल ये है कि तावील हर बात की हो सकती है तो जी हर बात की हो सकती है लेकिन जो अना कबूल हक़ में रुकावट बन जाए अल्लाह उससे हमें अपनी पनाह अता फ़रमाए तो कबूल हक जिस चीज़ के बाद उन्होंने कहा वो है सियासत मुआविया रदी अल्लाह त जिंदाबाद से बारात का जो ऐलान है इसको उन्होंने कबूल हक़ करार दिया वहाँ एलामियाँ जारी किया गया और इतनी कसर तादाद में उलमा मशाख़ बैठे हुए थे और फिर पूरा हर तरफ़ ये पैगाम पहुँचा हमने ये फ्रीजा समझा कि ये ग़लती इसकी इलाह होनी चाहिए और नस्लों तक ये बात पहुँचानी चाहिए कि जो चीज़ हमारी किताबों में चौदह सदियों में आ रही है वो किताबों में सही है तो फिर रैली में अगर किसी ने कह दिया तो फिर भी सही है इतने महीने के बाद आके अचानक एक ऐसे मोड़ पर उसे वापस लिया गया कि वापस लेने वाला शख्स जब उस पे एक धड़े की तरफ से मुसलसल एतराज़ात हो रहे थे गालियाँ दी जा रही थी उन गालियों का रुख बदला गया अपने तकदस को बचाया गया और दूसरी तरफ जो गालियां देने वाले थे वो भी अजीब लोग हैं कि उन्हें उस वक़्त तो बद अकीदा के पीछे नमाज पढ़ना भी याद आ गया और वैसे उन्हें दीन के अमूर की कोई खबर नहीं अपने मामलात में एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिहाज से दीन को इस्तेमाल करते हैं और फिर छोड़ देते हैं मेरे रसूल वसल्लम के एक अजीम सहाबी के बारे में ला तुकी और बरात का ऐलान क्यों किया गया फमन अहबाह हूं फबीबी सरकार फरमाते हैं जिसने उनसे मोहब्बत की उनसे नहीं मुझसे की फमन अब फबिबुग्दी हूं जिसने उनसे बुगज रखा उसने उनसे नहीं मुझसे बुगज रखा तो उसूलों के मुताबिक ये सियासत नबवी जिंदाबाद के नारे से इनहराफ किया गया